अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। ये डिज़ाइन आप किसी भी, खास करके ये शॉल में या बेबी ब्लैंकेट बनाइए, उसमें ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वैसे आप इसे स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडीज जेंट्स जिसमें भी आप इसको अप्लाई करें, बहुत आसानी से ये उसमें डल जाएगा और देखने में खूबसूरत लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाएंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने फंदा डाल लिया है इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः फंदा बनाने के बाद हम इस तरह से फंदा लपेट कर जाली देंगे और उसके बाद दो का एक कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर से एक, दो, तीन और ये रहा चार। चार फंदा बना लिए। फिर से हम ऐसे जाली देंगे और दो का एक कर लेंगे। लास्ट में बचेगा तीन फंदा। तो आपने फंदा गिन लिया होगा कि मैंने कितना फंदा डाला है। आ जाते हैं हम उल्टा साइड। उल्टा में हम हर सिलाई में टोटल फंदा उल्टा ही बनाएंगे, हमें कोई भी डिजाइन इसमें नहीं देना है। तो हर बार हम आपको उल्टा बना करके नहीं दिखाएंगे। ये देखिए, फिर से हम आ गए सीधी सिलाई में। अब यहाँ पर हमको इसे हम सीधा भी बना सकते हैं, एक फंदा बनाकर इस तरह से हम फंदा लपेटेंगे और यहाँ पर हम जाली देते हुए दो का एक कर देंगे ऐसे। दो का एक कर दिए। अब हम फिर से एक फंदा बनाएंगे और ये दोनों फंदा को इस तरह से हम बंद कर देंगे पहले। उसके बाद ये जाली वाला फंदा है, इसमें हम एक जाली दे देंगे और फिर से हम इसमें ऐसे जाली दे देंगे और इधर से ऐसे बंद करेंगे इस साइड से। उसके बाद हम एक, दो, तीन, ये रहा चार। चार फंदा बनाने के बाद हम फिर फंदा लपेट कर इसमें जाली दे देंगे। उल्टा बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, आ गए हैं हम सीधी सिलाई में। सीधी सिलाई में ध्यान से देखिए, पहला फंदा हम बना लेंगे। ये मेरा जाली वाला फंदा है, इसको भी बना लेंगे। फिर से हम जाली देंगे और इस तरह से फंदा को ऐसे फिर पलटेंगे और दो का एक कर देंगे जाली देते। सॉरी, यहाँ पर तीन फंदा को हमें एक साथ बंद करना है। फिर से बता देती हूँ, देखिए इस तरह से फंदा लपेट कर एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे और ये दोनों फंदा को हम ऐसे बना लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर से ये फंदा हम बंद कर देंगे। ये देखिए, तीन
तीन फंदा का एक फंदा, फिर से हम जाली दे देंगे और ये फंदा भी हम बना लेंगे। और यहाँ पर जो जाली पड़ रहा था इसमें फिर से हम जाली देंगे, ये देखिए। फिर से इस तरह से हम यहाँ पर फंदा घटाना और बढ़ाना जारी रखेंगे यहाँ पर। उल्टा बनाकर फिर आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड, फिर से हम यहाँ पर ये साइड वाला फंदा जो है इसको हम बनाएंगे जाली वाला, और फिर यहाँ पर तीन फंदा बनाने के बाद हम फिर से जाली देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों फंदा को इस तरह से हम पलट लेंगे ऐसे, और उसके बाद ये सब फंदा जैसे बन रहा था उसी तरह से बनता हुआ जाएगा। फिर से हम जाली देकर फंदा को यहाँ पर बंद कर देंगे और ये साइड वाला फंदा इस तरह से हम बना लेंगे। फिर यहाँ पर जाली देकर ये दोनों फंदा को इस तरह से घुमाएंगे और दो का एक कर लेंगे। उल्टा बनाकर फिर दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, पूरा स्टेप देखिएगा तब जाके ये डिजाइन आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जाली से पहले मैंने चार फंदा बना लिया, अब यहाँ पर हम इस तरह से फंदा लपेट कर फिर से दो का एक कर देंगे। ये देखिए दो का एक कर दिए, अब एक फंदा बीच में बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक फंदा बीच में बनाने के बाद ये फंदा को इस तरह से दो का एक करेंगे। उसके बाद ये जाली वाला फंदा है इससे पहले एक जाली दे देंगे और फिर से जाली देंगे। ये देखिए, उसके बाद वाला हम टोटल फंदा को इसी तरह बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर साइड में हमें जाली नहीं देना है। तो फिर उल्टा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे। ये देखिए फ्रेंड, फिर से हम सीधा सिलाई में आ गए हैं। टोटल फंदा को इस तरह से मैंने बना लिया, अब फंदा इस तरह लपेटेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसे स्लिप करके दोनों बनाकर इसके ऊपर से बंद करते थे, इस बार हम ये तीनों को इस तरह से बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने फंदा लपेट लिया जाली के लिए, इस तरह से बंद करके ये देखिए तीनों को एक साथ बंद कर लिए। यहाँ पर फिर से हम जाली देंगे और फिर से जाली देना है। ये देखिए, फिर हम उल्टा बना लेंगे तब आपको दिखाएंगे आगे। ये देखिए आ गए हैं फिर से हम सीधी सिलाई में। सीधी सिलाई में हम ये साइड वाला फंदा जिस तरह से बना रहे हैं प्लेन, उसी तरह बनाएंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ तक, अब ये वाला फंदा जो है ये दोनों फंदा को इस तरह से पहले हमें बंद करना है, फिर जाली दे देंगे और बीच वाला टोटल फंदा को हम बना लेंगे इस तरह से, और फिर से हमको यहाँ पर जाली दे देना है ऐसे करके। फिर हम उल्टा बना लेते हैं तब आपसे मिलेंगे। ये देखिए फिर से हम सीधी सिलाई में हैं। ये एक्स्ट्रा वाला फंदा बनाने के बाद एक दो तीन फंदा बना लिए हैं, अब ये बच गया है
इस सेंटर वाला फंदा, इससे पहले दोनों को हम पहले बंद करेंगे ऐसे, फिर जाली देंगे एक फंदा में, फिर दोबारा जाली देंगे और ये दोनों फंदा को इस तरह से घुमाकर हमें बंद करना है ऐसे, ये देखिए। अब फिर हम एक फंदा बना लेंगे और ये साइड वाला जो है दो फंदा को ऐसे हम बंद कर लेंगे और फिर से हम जाली दे देंगे। अब ये टोटल फंदा को हम प्लेन बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पर अगर आप समझ जाएंगे तो पूरा डिजाइन आपको समझ में आ जाएगा। तीन फंदा स्टार्ट में बनाने के बाद हम यहाँ पर दो का एक कर देंगे, ये देखिए। इसके बाद जाली दे देंगे, फिर फंदा लपेट कर हम तीन का एक फिर से करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और एक जाली दे देंगे लास्ट में। टोटल फंदा को सीधा बना लेंगे, उल्टा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे। फिर से हम सीधी सिलाई में आ गए हैं। दो फंदा बनाएंगे, उसके बाद हम ये दोनों फंदा को फिर बंद कर देंगे ऐसे। यहाँ पर फिर से जाली देंगे, बीच वाला टोटल फंदा को इस तरह से बना लिए हम। अब ये दोनों फंदा को ऐसे हम इस मोड़ से बंद कर देंगे ऐसे, फिर से जाली देंगे। अब यहाँ पर से एक दो तीन, ये रहा चार। ये दोनों फंदा को इस तरह से इस मोड़ से फिर हम जाली देंगे और बंद करेंगे और जाली दे देंगे। उल्टा में हम टोटल फंदा को उल्टा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब हम एक फंदा बनाने के बाद दो फंदा को एक साथ बंद करेंगे ऐसे, फिर जाली दे देंगे एक ठो, फिर दोबारा जाली देना है इस तरह से ऐसे करके। अब हम बीच में एक फंदा बना लेंगे, ये वाला जो लाइनिंग दिख रहा है इसको हम इस मोड़ से बंद कर देंगे ऐसे करके, और फिर से हम जाली दे देंगे। ये दोनों फंदा को भी हम ऐसे बंद कर लेंगे और यहाँ पर फिर से जाली देकर ये फंदा बना लेंगे, ये देखिए। इस तरह से ये डिजाइन आपको देखने में ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए उल्टा बना लेते हैं, फिर दिखाएंगे आप। अब ये फंदा को हम पीछे रखेंगे, पहले दोनों फंदा को एक कर देंगे, फिर जाली दे देंगे। अब बीच वाला फंदा हम टोटल बना लेंगे ऐसे करके, इस तरह से हम फिर फंदा लपेटेंगे और ये वाला फंदा को इस तरह स्लिप करके ये दोनों फंदा को ऐसे बना लेंगे ऐसे, और इसको इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। तीन फंदा का एक फंदा यहाँ पर बन गया। फिर से हम जाली देकर साइड वाला फंदा हम बना लेते हैं। ये
ये देखिए, इस डिज़ाइन को आप जिग जैग डिज़ाइन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी जो फंदा, सॉरी, जो डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सिर्फ 17 फंदा डाल करके ये डिज़ाइन शेयर किया है। तो जब मैं ये प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर इसके आगे बताऊँगी कि इसमें आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से फंदा रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अब हम इस तरह से बना लेंगे। टोटल फंदा को जाली तक ऐसे करके, देखिए यहाँ पर हम फिर जाली दे देंगे दोनों फंदा को एक साथ, बंद भी कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब ये टोटल फंदा को हम बना लेंगे। अब ये साइड वाला फंदा है, इसको हम फिर से इस मोड़ से बंद करेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर हम जाली दे देते हैं, उल्टा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम एक फंदा बना लिए। अब ये दोनों फंदा को ऐसे घुमाकर एक जाली दे देंगे और दोनों फंदा को एक साथ बंद कर देंगे। बीच में एक फंदा बना लेंगे और ये दोनों फंदा को इस मोड़ से बंद कर देंगे। फिर से हम बीच में जाली दे देंगे इस तरह से, और फिर इस तरह घुमाकर हम ऐसे जाली दे देंगे। अब इसके बाद 1, 2, 3 फंदा बन गया मेरा। और फिर हम इस तरह से फंदा घुमाकर 2 का 1 कर देंगे इस साइड से। ये देखिए, ऐसे मेरा फंदा अब मुड़ता जाएगा। तो उल्टा बना लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड, आ गए हैं हम फिर से सीधी सिलाई में। ये दोनों फंदा को बना लेंगे ऐसे, फिर फंदा इस तरह से लपेट कर हम इसको इस तरह स्लिप करेंगे और ये दोनों फंदा को ऐसे ऐसे बनाकर इसके ऊपर से इसे भी हम बंद कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर फिर से हमको जाली दे देना है और ये टोटल फंदा को, बीच वाला फंदा को हम बना लेंगे। फिर से जाली देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये फंदा और ये फंदा भी हम बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, ये फंदा भी बना लेंगे, फिर से हम यहाँ पर जाली देंगे और ये इस तरह से मोड़ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा ऐसे। तो फिर हम उल्टा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर से डिजाइन स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3। तीसरा डिजाइन जब आधा हो जाएगा तो फिर इस साइड मैंने डिजाइन को घुमा लिया, फिर यहाँ पर से 1, 2, 3, फिर यहाँ पर से स्टार्ट होगा, 1, 2 और एक और बन जाएगा तो 3। तो इसी तरह ये डिजाइन बनता है। ये देखिए, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, फिर यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3। तो ये देखिए, एक ग्राफ है मेरा प्लेन और एक ग्राफ में छोटा छोटा बर्फी बना हुआ है। तो देख सकते हैं किस तरह से ये बना है। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलेंगे हम एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।